हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेल बायोलॉजी यूनिट से है आपका, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल टू सेल इंटरेक्शन मीडिएट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली चार तरीके के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इनसे डायरेक्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और कई बार पूछे गए इनसे क्वेश्चन। आपको टेबल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एक कॉलम में इनका नाम दिया गया हो, दूसरे कॉलम में इनका रिस्पेक्टिव ट्रेट दिया गया होगा। तो देखते हैं, देखिए चार तरीके के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक है आपका कैडेरिन मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके बाद हम सेलेक्टिन पढ़ेंगे, देन IGSF इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के मेंबर्स, और फोर्थ है आपका इंटीग्रिन, ठीक है। तो ये टेबल में मैंने चारों के ट्रेट्स, जो चारों के करेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर हम सेलेक्टिन की बात करें तो सेलेक्टिन जो है ये कैल्शियम एंड डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन मीडिएट करता है। सेलेक्टिन एज वेल एज कैडरिन, ये दोनों कैल्शियम एंड डिपेंडेंट सेल एडिशन मीडिएट करते हैं। जो IGSF है, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के मेंबर्स, ये कैल्शियम एंड इनडिपेंडेंट सेल सेल एडिशन मीडिएट करते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है तीनों में, जो याद रखिएगा कि सेलेक्टिन कैडरिन कैल्शियम एंड डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन मीडिएट करते हैं, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के मेंबर हैं, IGSF फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सेल कैल्शियम इनडिपेंडेंट सेल सेल एडिशन मीडिएट करते हैं। अब अगर हम सेलेक्टिन्स की बात करें तो इनको हम कंसीडर करते हैं लेक्टिन के तरीके से। सेलेक्टिन्स आर सेल सर्फेस कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। सेलेक्टिन में एक लेक्टिन डोमेन होती है जो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग कैपेबिलिटी रखती है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि सेल सर्फेस, किसी की सेल सर्फेस पे अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उससे बाइंडिंग की प्रॉपर्टी सेलेक्टिन में होती है। दैट मीडिएट ए वैरायटी ऑफ ट्रांजिएंट सेल सेल एडिशन इंटरैक्शन इन ब्लड स्ट्रीम। में भी आपके एग्जाम में पूछा आता है कि इनकी लोकेशन क्या होती है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये किस तरीके के इंटरैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, हेट्रोफिलिक इंटरैक्शन में या होमोफिलिक। तो जो सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हेट्रोफिलिक इंटरैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेलेक्टिन्स आर एक्सप्रेस ऑन WBCs, जनरली ब्लड प्लेटलेट्स में आपको मिलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स, एंड दे बाइंड हेट्रोफिलिकली टू कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स ऑन सेल सर्फेस। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सेलेक्टिन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम एंड डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन, सेकंड पॉइंट कि ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आपको देखने को मिलते हैं, एंड पॉइंट नंबर 3 कि ये हेट्रोफिलिक इंटरैक्शन मीडिएट करते हैं। नाउ कमिंग टू कैडेरिन, कैडेरिन भी आपके कैल्शियम एंड डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन मीडिएट करते हैं। कैडेरिन इज अ लार्ज फैमिली ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन दैट मीडिएट कैल्शियम एंड डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में सिग्नल के ट्रांसमिशन में ये हेल्प करते हैं। अगर कैडेरिन्स की हम बात करें तो दे आर इन्वॉल्व्ड इन होमोफिलिक इंटरैक्शन। डिफरेंस याद रखिएगा, सेलेक्टिन आपके हेट्रोफिलिक में थे और कैडेरिन्स आर इन्वॉल्व्ड इन होमोफिलिक इंटरैक्शन। अगर हम IGSF फैमिली की बात करें, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली की, तो इनके साथ स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि कैल्शियम एंड इंडिपेंडेंट सेल सेल एडिशन मीडिएट करते हैं, और इनमें एक IG लाइक डोमेन, एक्स्ट्रा सेलर डोमेन होती है, राइट। मेंबर्स ऑफ IGSF सुपर फैमिली कंटेन्स वन आर मोर एक्स्ट्रा सेलर IG लाइक डोमेन दैट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंड IGSF के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन हेट्रोफिलिक एज वेल एज होमोफिलिक बाइंडिंग। तो ये दोनों तरीके के इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस तरीके से डिफरेंट है सेलेक्टिन और कैडेरिन दोनों मॉलिक्यूल से। इंटीग्रिन फैमिली के मेंबर की अगर हम बात करें तो इंटीग्रिन फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इनके दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, एक तो सेल सेल एडिशन मीडिएट करना, दूसरा सेल्स को एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से भी कनेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी इंटीग्रिन्स की होती है। एक तरीके से इंट्रा सेलर प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो इस पूरी प्री मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, एक आउटर और एक इनर डोमेन होती है। तो ECM से कोई सिग्नल इनसाइड या इनसाइड से कोई सिग्नल आउटसाइड पास करना है तो भी इंटीग्रिन्स का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये IGSF के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो ये चारों सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को जरूर से रिवाइज करिएगा, डायरेक्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।